सो गाइस, इस वीडियो में थोड़ा हटके बात करेंगे, देखेंगे कि ट्रू फैक्ट ऑफ आरआरबी एएलपी सक्सेस रेट। मैंने इधर एक क्वेश्चन लिखा है, वो क्या है, क्यों आईटीआई वाले बीटेक डिप्लोमा वालों से कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। ये क्वेश्चन है स्पेशली असिस्टेंट लोकोपाल रिक्रूटमेंट के बाद मैं कर रहा हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर आपका कोई आसपास कोई असिस्टेंट लोकोपाल में काम कर रहा है उनसे पूछिए। अभी जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है। जब डीवी कम फाइनल मेरिट लिस्ट से ट्रेनिंग के लिए बच्चे लोग जाते हैं, उसमें से हर बैच में जाते हैं, जिस किसी बैच में 100 कैंडिडेट हो सकते हैं, किसी में 90 कैंडिडेट, 60 कैंडिडेट, किसी भी नंबर हो सकता है, उसमें से अगर ये परसेंटेज पकड़ के चलते हैं कि 100% कैंडिडेट है, तो उसमें से देखा गया है कि हर बैच में मैक्स ये केस हुआ है 50% के आसपास कैंडिडेट बीटेक बैकग्राउंड से है, ओके 40% कैंडिडेट डिप्लोमा बैकग्राउंड से है, लगभग 10% के अराउंड कैंडिडेट होते हैं आईटीआई बैकग्राउंड से इधर, या फिर आप 10% घटा के भी देख सकते हैं कि 40% इधर, 30% इधर, 20%, ये कभी कभी 35-15 भी हो सकते हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस आपको दिखेगा, बल्कि जो असिस्टेंट लोको पायलट का रिक्रूटमेंट है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आईटीआई। तो जाहिर सी बात है इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट ज़्यादा होना चाहिए, पर इधर नहीं होते हैं, राइट। इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स इधर लिखा है, वो आपको अगर समझ में आ गया ना तो आपका फ्यूचर बहुत ही, मतलब बहुत फ्यूचर में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आप बच पाएंगे। ये डिमोटिवेटेड वीडियो नहीं है, ये एक मोटिवेटेड वीडियो है, आपको इस समझाने के लिए वीडियो बनाया है कि देखिए आपको इस टाइप का गलती नहीं करना है, ताकि आपका इन फ्यूचर जो किसी भी एग्ज़ाम हो सकता है कि असिस्टेंट लोको पायलट या दूसरा किसी भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन का एग्ज़ाम हो सकता है, अगर आपका क्वालिफिकेशन आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा हो, तो आप प्रॉब्लम में ना फंसे, ठीक है। कुछ अपना ही पर्सनल कारण होता है, कोई ऐसा नहीं है कि रेलवे का क्वेश्चन पैटर्न के वजह से आपका इसमें जो परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ परसेंट सक्सेस परसेंटेज है वो पीछे होता है, ऐसा नहीं है। खुद का जो नेग्लिजेंसी है उसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जहां पर जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सीबीटी ऑन में देखिए, ये जनरल सब्जेक्ट है, सीबीटी टू में जो दो पार्ट है, पार्ट ए में आपका जनरल सब्जेक्ट, पार्ट बी में क्या मिलेगा, मिलेगा टेक्निकल सब्जेक्ट, राइट, ये आप समझ लीजिए, और साइको देन मेडिकल, राइट। तो कुछ पॉइंट्स मैंने इधर लिखा है, आपको ये समझना होगा। तो वेलकम टू बैक माय चैनल गाइड्स, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। एंड वीडियो के एंड में मैंने कुछ मैसेज आपके लिए, मतलब एक अनाउंसमेंट आपके लिए रखा है, वो आपको देखना चाहिए, मतलब मेरा मानना है कि आपको देखना चाहिए, आपके फायदे के लिए वो है। देखिए पहला जो पॉइंट है कोर्स सिलेबस, देखिए जो बीटेक में सिलेबस होते हैं 4 इयर्स कंप्लीट करके वो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो इसमें से जो बीटेक वाले कैंडिडेट है वो टेक्निकल पार्ट में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, या फिर कुछ मैक्सिमम पता है, मैक्सिमम कैंडिडेट के जब बीटेक पढ़ते हैं तब उतना सीरियसली नहीं पढ़ते, पर ये जो टेक्निकल टर्म है इसके आसपास ही रहते हैं। देन डिप्लोमा में भी 3 साल का कोर्स है, वो कैंडिडेट 3 साल टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, इसके वजह से ये भी टेक्निकल में थोड़ा बहुत जानकारी इनको भी है, एक्सपीरियंस भी है। और आईटीआई का सिलेबस भी देखिए टेक्निकली है, पर आईटीआई में ना प्रॉब्लम क्या है, आईटीआई में आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, देखिए इधर और एक बात ये पहले आपको बोलना चाहिए कि जो सिलेबस है डिप्लोमा में क्या है, एएलपी में जो रिक्रूटमेंट जो टेक्निकल पार्ट का सिलेबस है ना, वो बिल्कुल आईटीआई लेवल का क्वेश्चन होता है इसमें से, ऐसा नहीं है कि ये बीटेक लेवल से क्वेश्चन करते हैं, जी बिल्कुल नहीं, ये आईटीआई लेवल का ही क्वेश्चन होता है, फिर भी आईटीआई वाले कैंडिडेट इसको अटेंड नहीं कर पाते, तो इसके पीछे कुछ रीज़न तो होगा ना। वो रीज़न है ये कि आईटीआई सिलेबस जो कोर्स है, कोर्स में जो सिलेबस है वो तो सही है, पर सेकेंड पॉइंट इसमें से आपको लागू होता है क्या है, टाइप्स ऑफ पास आउट स्टूडेंट। देखिए जो डिप्लोमा करते हैं बीटेक करते हैं वो क्या है, 10+2 के बाद बीटेक करते हैं, तो वो सीरियस कैंडिडेट है, मतलब इनका फ्यूचर बीटेक में ही है। डिप्लोमा कैंडिडेट आज के डेट में 90% कैंडिडेट ये साइंस बैकग्राउंड से है, तो उनका भी डिप्लोमा सीरियसली करते हैं, तो उनका फ्यूचर भी सीरियस डिप्लोमा में ही देखते हैं। पर आईटीआई कौन करता है आज की डेट में, ये सीरियस बात है, ये ट्रूथ है,
कि आईटीआई मैक्सिमम 90% से ज़्यादा कैंडिडेट पार्ट टाइम के लिए आईटीआई करते हैं। जैसे क्या है, कोई भी कैंडिडेट उनका बीए हो, बीएससी कंप्लीट कर लिया या फिर आपका कॉमर्स में कंप्लीट कर लिया, वो अभी जॉब अभी प्रिपरेशन कर रहा है, वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कोई कुछ उनके हाथ में कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आ जाए तो और भी एक्स्ट्रा एक दो जो रिक्रूटमेंट है उसमें अप्लाई कर पाएंगे। इससे वजह से आईटीआई कोर्स करते हैं और इसमें से मैक्सिमम बच्चों क्या करते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं जहां पर वो सीरियसली पढ़ाई नहीं होते, राइट। तो देखिए, अब अगर आईटीआई वाला कैंडिडेट आप है तो आप खुद सोच के देखिए, आपका या तो बीए क्वालिफिकेशन है या फिर बीएससी क्वालिफिकेशन है या फिर आप बीकॉम भी पकड़ सकते हैं, तो उनके लिए एक आईटीआई पार्ट टाइम है वो, ठीक। मतलब कुछ मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट आईटीआई में क्या सिलेबस है उनको पता भी नहीं होता है, राइट। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट ऐसा ही है, पार्ट टाइम आईटीआई करते हैं तो इनका टेक्निकल में नॉलेज स्वाभाविक कम होगा। तो इसमें से थर्ड पॉइंट आता है कि टेक्निकल नॉलेज। देखिए, जो डिप्लोमा है, बीटेक है, इनका फ्यूचर मतलब सीरियसली ये रेगुलर बीटेक या फिर डिप्लोमा करते हैं तो इन फ्यूचर ये जो क्वालिफिकेशन, इस क्वालिफिकेशन से ही वो आगे बढ़ते हैं, अपर क्वालिफिकेशन कुछ भी हो या फिर जॉब हो कुछ भी हो, जो भी इस क्वालिफिकेशन के दम पे ही वो करते हैं मैक्सिमम टाइम्स देखा गया। पर आईटीआई कैंडिडेट इनका क्वालिफिकेशन बीएससी बीए और आईटीआई होने के साथ साथ ये मतलब ये सब में ट्राई करते हैं तो इनका टेक्निकल जो इंटरेस्ट है उतना नहीं होता, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है उतना। वो टेक्निकल जब आईटीआई किए थे लाइक पार्ट टाइम किए थे, इसके वजह से आईटीआई में उनका टेक्निकल नॉलेज में बहुत दिन मतलब कम है टेक्निकल नॉलेज, इसके वजह से वो ऐसे तैसे क्वालिफाई कर लेते हैं आईटीआई, मतलब कोर्स कंप्लीट करते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। आईटीआई में उनका क्या क्या सब्जेक्ट है, सिलेबस है, मैक्सिमम कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है। तो जब इसमें जो टेक्निकल पार्ट है इसमें जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो इनके लिए बहुत ही टफ हो जाते हैं टेक्निकल पार्ट कि ये कहाँ से आ गया, ये टर्म्स कहाँ से आ गया। उनका दिमाग में मतलब बहुत परेशान हो जाता है कि ये कहाँ से करूँ कैसे करूँ। पर ये ना, ये प्रॉब्लम बीटेक डिप्लोमा वाले से नहीं, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ये इसके साथ टेक्निकल टर्म के साथ परिचय है, ये लोग ये पढ़ाई किए हैं। और आईटीआई वाले कैंडिडेट ये पढ़ाई किए नहीं, जब आई कोर्स में था वो तो देखा नहीं, पार्ट टाइम के लिए किया है तो इसलिए उनका लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज होता है। फिर गया टेक्निकल लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड इट्स इफेक्ट रेगुलर प्रैक्टिस। देखिए, जैसे आईटीआई वाले कैंडिडेट का पार्ट टाइम हुआ तो उनका फोकस है कि जनरल सब्जेक्ट के ऊपर, जब वो सोचते हैं कि जब आएगा टेक्निकल के मतलब रिक्रूटमेंट तब देखेंगे, राइट। तो इसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, टेक्निकल जो पार्ट है उसमें हाथ भी नहीं लगाते हैं। जब एक एग्जाम की बारी आते हैं, जब खाता बुक ओपन करते हैं ना, तब उनका दिमाग घूम जाता है कि ये कहाँ से आएगा क्या आएगा, तो इंटरेस्ट ही नहीं पाते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो इसकी वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट ये टेक्निकल में छट जाते हैं। और नेग्लिजेंसी, उनका तो नेग्लिजेंसी ट्रेड के ऊपर कि उतना मतलब क्या, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे जब आएगा तब देख लेंगे, अभी तो जनरल सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन बीएससी बीए है तो जो यूपीएससी है या फिर ग्रेजुएट लेवल का कुछ जॉब है उनके लिए, उस जॉब के लिए प्रिपरेशन लेते हैं तो जनरल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो टेक्निकल पार्ट में उनका नेग्लिजेंसी है। इसी रीजन से वजह से, मेनली टेक्निकल रीजन की वजह से वो इस रिक्रूटमेंट से मतलब छट बाहर हो जाते हैं। तो इसमें बीटेक वाले सबका फायदा है क्योंकि उनका टेक्निकल अच्छा होता है। और ये तो जो बीटेक वाले कैंडिडेट है, बहुत कैंडिडेट वो जो बैंक के एग्जाम है उसके लिए पढ़ाई करते हैं, तो इनके लिए भी टेक्निकल और जनरल दोनों पार्टी से है। और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट तो मैक्सिमम कैंडिडेट टेक्निकली पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए भी आसानी हो जाते हैं, सही है। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट, उनका टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से सक्सेस रेट आईटीआई वालों का बहुत ही कम है, राइट। ये था टोटल फैक्ट्स। आपको अगर इस जॉब के लिए पढ़ाई करना है तो टेक्निकल पहले से शुरू करिए, क्योंकि टेक्निकल में नॉलेज आपका कम हो जाएगा तो आप जैसा भी करिए टेक्निकल में आपको फेल कर जाएंगे। जिसकी वजह से आज के डेट में आईटीआई क्वालिफिकेशन होने के बावजूद 10% से 20% रेट है आईटीआई वालों का सक्सेस रेट एएलपी जॉब में, ठीक है।
तो ये होना नहीं चाहिए। आपको टेक्निकल पहले से ध्यान देके अभी से पढ़ाई करना है, टेक्निकल में नेग्लिजेंसी नहीं हो होना चाहिए, राइट। तो अब बाकी सब तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, पर टेक्निकल थोड़ा अभी से देखना शुरू करिए। अच्छा, ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, मैं कुछ सोच रहा हूँ आपके लिए कि देखिए, जो प्रीवियस ईयर की असिस्टेंट लोकोपाइलट टेक्नीशियन की क्वेश्चन है शिफ्ट वाइज, उससे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों को बहुत क्वेरीज है कि कहाँ से देखें, कहाँ से, कि सबसे प्रिपरेशन स्टडी से सबसे आपको पुराना जो क्वेश्चन है वो देखना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि पुराना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें से ये दो पार्ट पकड़ के आपको कुछ गाइड करूँ, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। और बायोलॉजी कभी कभी आप देख भी सकते हैं, ठीक है, पर मेन फोकस मेरा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर। अगर आपका ये आप मेरे साथ सहमत है तो आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स करके आप आपका राय दीजिए। अगर आपका सहमत होगा, आपका फीडबैक अच्छा होगा, तो मैं नेक्स्ट बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन शुरू करूँगा, राइट। मैं कुछ और भी बड़ा सोचूंगा, ये आपका फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। तो फीडबैक दीजिए, आपका क्या राय है, क्या आपका आपका चाहिए, क्या आपको चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपके फीडबैक के वेट करूँगा, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।